क्रिकेट की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले क्रिकेट की एक्सक्लूसिव खबरें। भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरे वनडे में टीम को लेकर दो बड़े बदलाव हुए। धोनी को बाहर किया गया तो हार्दिक पांड्या को टीम में लिया गया और पांड्या ने तो आते ही पहले मैच में कुछ ऐसा कर दिया कि पूरी दुनिया को हिला दिया और जबरदस्त वापसी की। तो अंत में आपको पांड्या की धमाकेदार वापसी का पूरा वीडियो दिखाएंगे, आप कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो पांड्या का ये तूफान 17वें ओवर में आया जब बॉलिंग कर रहे थे युजवेंद्र चहल और बैटिंग कर रहे थे कीवी कप्तान केन विलियमसन। विलियमसन ने चहल के ओवर की दूसरी बॉल पर शॉट मारा और शॉट इतना जबरदस्त था कि वो सीधे चौका जाता, मगर शॉट मिड विकेट पर खड़े थे हार्दिक द चीता पांड्या, पर पांड्या ने बिल्कुल चीता की तरह बाईं तरफ डाइव लगाई और बॉल को अपने हाथ में पकड़ लिया। जी हाँ, पांड्या ने केन का कैच पकड़ लिया जो बॉल चौके के लिए जा रही थी। उसी बॉल पर पांड्या ने कीवी कप्तान को चलता कर दिया, जो वाकई गजब का था। कीवी कप्तान अच्छी लय में दिख रहे थे लेकिन 28 रन बनाकर आउट हो गए। अब बॉल तो चहल की थी लेकिन इसे शिकार पांड्या का ही कहा जाएगा। तो आपको इसका पूरा वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें और हाँ, पांड्या की दमदार वापसी पर कमेंट जरूर करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।